अगर मान लो 500 रुपए का सामान बिक गया तो कम से कम 200 रुपए बचे आते हैं। बस 200 रुपए। कुछ खाया सुबह से कि नहीं खाया? खाया कुछ नहीं। चाय तो पी होगी? चाय 20 रुपए की चाय मिल रही है, कहाँ से चाय पी रहे हैं। सुबह से 15-20 किलोमीटर चल चुके हैं। कुछ नहीं खाया सुबह से? जी। कितने का सामान बेच दिया सुबह से? सामान क्या बिका? 250 रुपए का सामान बिका था। 250 रुपए का सामान बेचा और वो जोड़ लिया अपने बच्चों के लिए, खाया कुछ नहीं उसमें से? खाया कुछ नहीं, शाम खाएंगे सर। फिर भी क्या ऐसा आगे, अगर मान लो 200-300 कमाए, अगर 6-7 दिन रुक गए तो 2000 रुपए, 3000 रुपए, 2500 रुपए इतने ले जाते हैं, किराया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाल नेटवर्क में। ध्यान से देख लीजिए इस आदमी को। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जिम्मेदारियाँ हैं उनका वजन बहुत ज़्यादा है हमारे ऐसे इस तरह के भाइयों पे, इनके कंधों पे। भाई जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत द न्यूज़ वाल नेटवर्क पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, इतना सारा वजन लेके आप हरिद्वार में घूम रहे हो। कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है आपका? बेली। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश भाई, यहाँ पे हरिद्वार में आप आए हुए हैं, कब आए थे यहाँ पे आप दिवाली का सामान बेचने? 25 तारीख में। अच्छा, वापस कब जाएंगे? वापस जाएंगे मान लो गुरुवार दिन जाएंगे। मतलब आप हफ्ते के लिए यहाँ पे आए हो सामान बेचने के लिए। तो अच्छा, एक बात कर लें, आप तो बहुत ही, कितने की माला बेच रहे हैं ये वाली? 20 रुपए की बिक जाती है, 2 बिक जाती है 20 रुपए की, 2। अच्छा, कोई ऐसा भी है जैसे आपने किसी को माला बेची और बोले कि 20 की नहीं 10 की दे दो या 5 की दे दो, ऐसे कोई मोल भाव भी करता है क्या? हाँ, करते हैं साहब। फिर क्या करते हो आप? देने पड़ता है। मतलब 5 रुपए की माला में भी मोल भाव करना पड़ता है? हाँ जी, वो देने देने दे देते हैं। क्या करें, अपने कुछ दुकानदारी नहीं हुई, देने नुकसान में दे देते हो? नुकसान में तो नहीं देते हैं साहब, 1-2 रुपए मिल जाता है। 1-2 रुपए मिल जाता है तो आप देख सकते हैं 1-2 रुपए का अगर प्रॉफिट हो रहा है किसी को, तो हमारे ऐसे रमेश भाई जैसे बहुत हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग सड़क पर हैं जो परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए घूम रहे हैं और उनका पेट पालने के लिए। अच्छा रमेश भाई, थोड़ी सी पर्सनल बात कर लेते हैं आपसे। कितने बच्चे हैं घर में, परिवार में कौन कौन है? बच्चे 5 बच्चे हैं हमारे, दो लड़की हैं और 3 लड़का हैं। अच्छा, जैसे कि सब लोग पढ़ते होंगे, बच्चे पढ़ते होंगे, कितने कितने साल के हैं? नहीं पढ़ते साहब। नहीं पढ़ते, तो आप चाहते हो कि वो पढ़ें? चाहते हैं तो हैं, पढ़ें। क्या वजह है कि नहीं पढ़ा पाते उनको? पैसे नहीं है, सरकारी स्कूल में नाम लिखा दिया, सरकारी में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में तो पढ़ते हैं? हाँ, सरकारी में पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ऐसे रमेश भाई जैसे जो लोग हैं वो सड़क पर घूमते हैं, सामान बेच रहे हैं, 5 बच्चों की जिम्मेदारी है। और अच्छा, एक चीज़ बताओ, अब जैसे सुबह का क्या टाइम हो रहा है? लगभग 1:45 हो रहे हैं। कुछ खाया सुबह से कि नहीं खाया? खाया कुछ नहीं। चाय तो पी होगी? चाय 20 रुपए की चाय मिल रही है, कहाँ से चाय पी रहे हैं? 20 रुपए की चाय कहाँ पे मिल रही है? उन्हें हरिद्वार 20 रुपए की चाय दे रहे हैं भाई। रमेश भाई जो है हमारे, ये पूरे हरिद्वार में। अच्छा, सुबह से कितना किलोमीटर चल लिए होंगे आप? अब शिव मूर्ति से आ रहे हैं साहब, और शिव मूर्ति से पल्लंग उस पर चले गए फाटक पार करके, फाटक पार करके आए, उन्हें दुकानदारी कुछ नहीं भाई थी, उनसे फिर वापसी आए इधर को। सुबह से 15-20 किलोमीटर चल चुके हैं। हाँ। कुछ नहीं खाया सुबह से? नहीं जी। कितने का सामान बेच दिया सुबह से? सामान क्या बिका? 250 रुपए का सामान बिकाया था। 250 रुपए का सामान बेचा और वो जोड़ लिया अपने बच्चों के लिए, खाया कुछ नहीं उसमें से? खाया कुछ नहीं, शाम को खाएंगे सर। अच्छा, पूरे दिन में शाम को ही खाते हो आप? शाम को, घर तो 2 बार खा लेते हैं, मगर यहाँ तो मजबूरी है, पैसे नहीं है, इतने खाएं कहाँ से। अच्छा, जैसे इतने सारे जो नेता बन रहे हैं यहाँ पे, लोग दावेदारी कर रहे हैं कि फ्री लंगर चलता है, ये चलता है, हरिद्वार है, धर्म नगरी है, आपको कहीं फ्री मिला कुछ यहाँ पे? कुछ मिला, फ्री भंडारा, फ्री लंगर कुछ नहीं मिला? ना, कुछ नहीं मिला है। मतलब अगर आपको कुछ भी खानी है, एक रोटी का निवाला भी खाना है, तो जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं? हाँ, जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, 10 रुपए खाए तो, 20 रुपए खाए तो। अच्छा, दिन भर में ये मानो कितने का सामान बेच देते हो आप ये वाला? लगभग हमारा अगर मान लो 500 रुपए का सामान बिक गया तो कम से कम 200 रुपए बचे आते हैं। बस 200 रुपए?
और 200 रुपए के लिए आप कम से कम दिन में 40 किलोमीटर पैदल चल लेते हो। चल रहे अब हिंद से जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे भाई, हम घूमते रहेंगे सामने घूमते रहेंगे, कोई रुकेंगे थ्रू, अगर सामान बिक रहा है कोई ले रहा है तो उतनी देर रुक जाते हैं बस, न चले चले। अच्छा कोई ऐसा भी है जैसे बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि 10 के सामान के 5 लगाते हैं, कोई ऐसा भी है कि 10 के सामान के 50 दे देता हो, ऐसा भी है? ना ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं मिलता आपको? और तो भाव में से अगर तय कर लेंगे तो उसमें से कम देते हैं 10-5 रुपये। ज़्यादातर महिलाएं करती हैं पुरुष करते हैं बार्गेनिंग मोल भाव? मोल भाव पुरुषें करती हैं, लेडीज महिलाएं जो हैं थोड़ा सा ध्यान दें, कम करें मोल भाव, ऐसे लोगों से तो मत करें, क्योंकि जो 10-5 रुपए की चीज़ बेच रहे हैं और दिन में 40 किलोमीटर चलते हैं 200 रुपए कमाते हैं, आप देख सकते हैं सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, एक चाय भी नहीं पी है, और देख सकते हैं सब लोग अपने अपने घर में त्यौहार मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, और ये 5 बच्चे हैं परिवार पालने के लिए कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और मात्र 200-300 रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसे लोग आपको जहाँ भी मिलें ज़्यादा मोल भाव ना करें, और यह है कि 5-10-20 रुपए जितना आपका बोध हो, जितना आपसे बन पाए एक्स्ट्रा दे दें, और कुछ खाने को पानी को ही पूछ लें अगर ये आपके द्वार आते हैं ऐसे लोग, रमेश भाई जैसे लोग। अच्छा रमेश भाई, जैसे आप हरिद्वार में हो, कैसे लगी हरिद्वार की जनता आपको, अच्छी है या प्यार देते हैं कुछ? सही है जनता, पानी वानी पिला देते हैं? कल पिला दिया था हमने, लेडीज ने हमें चाय पिला दी थी। अच्छा, तो हमने दुआ दी थी, हमें ऊपर वाला बहुत दे, भगवान तो हमें खूब दे। कहाँ की बात है ये? इन्हीं की बात है। तो कितने बजे मतलब आप उनके घर गए या गली के बाहर, तो क्या पूरा वाक्य बताओ? गली में थे उनने, फिर हमने सामान लिया उनने, तो बोले कि चचा चाय पियोगे, तो हमने पिला दो, फिर चाय पिला दो, तो उनने चाय पिला दी हमें। खिलाया भी? और कुछ नहीं खिलाया, चाय पिलाई। चाय पिलाई, आपको अच्छा लगा? हाँ। अगर इस तरह के जैसे आपको मिलते रहे लोग की चाय पिला दी, पानी कुछ खिला दिया, तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा हमको, चाय पानी पिला दे, उनके प्यार से पड़ते हैं, बहुत से पिला देते हैं। अभी देख सकते हैं रमेश भाई जो है, यह है कि मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और यह है कि जिम्मेदारी से मेहनत करवा रहे। अच्छा एक छोटी सी बात जान लेते हैं आपको, जैसे पूरी आप 5-7 दिन मेहनत करेंगे हरिद्वार में रहेंगे, तो एक कितना कमा लेंगे आप, 1,000-1,500-2,000 कितना एक दिवाली खर्चा ले जाएगा बच्चों को? क्या है कितना फिर भी? एक फिर भी क्या ऐसा आगे अगर मान लो 200-300 कमाए, अगर 6-7 दिन रुक गए तो 2,000-3,000-2,500 इतने ले जाते हैं, और किराया है। इतनी दूर आने, 2-3 हज़ार कमाने के लिए इतनी दूर क्यों आना पड़ा? तो आप बरेली में भी कमा सकते थे। कमा सकते, मजबूरी में अब है नहीं मजबूरी, वहाँ पे काम नहीं है बिल्कुल भी? है काम, अब हम कमजोर आदमी है तो हमें तगड़े तगड़े आदमी ढूंढता है आदमी, अब कसी फोड़ा हमसे चलता नहीं है। अभी घुमक्कड़ पड़ती है, आपका हरिद्वार घूमने का मन कर रहा? कोई बात नहीं, आते ही हैं। आपका हरिद्वार घूमने का मन तो नहीं कर रहा? ऐसी बात नहीं, ऐसे चले आते हैं, मान लो घूमने भी लेंगे और थोड़ा बहुत कम भी जाएगा, थोड़ा बहुत कमा लेंगे, आज में बच्चों को अपने दिवाली को हो जाएगा आज में खर्चा पानी। चलिए ठीक है, इसी नोट के साथ अगर हमारे रमेश भाई जैसे आदमी हमको मिलें, हमको भी मतलब द न्यूज़ वन नेटवर्क के जितने दर्शक हैं और जितना हमारा पूरा परिवार है द न्यूज़ वन नेटवर्क के, यही हम आग्रह करते हैं, अनुग्रह करते हैं, हमारे रमेश भाई जैसे अगर किसी को मिलते हैं सड़क पर कुछ सामान बेचते हुए, कृपया मोल भाव ना करें, और अगर हो सके तो एक चाय का प्याला हमारे रमेश भाई जैसे आदमी को ज़रूर पिला दें, और कुछ साथ में हो तो कुछ खाने को भी दे दें। आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क।